नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक करी रेसिपी जिसको हम बंगाल में बोलते हैं डिमेर कोशा, और जो कि बहुत ही लाजवाब डिश है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है थोड़ा सा नमक के साथ। 2 टमाटर का पेस्ट लिया है, 2 बड़े बड़े टमाटर, देखिए 2 अलग अलग कलर के हैं। थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें हम मसाले का घोल बनाएंगे। 2 बड़े प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, 3 ग्रीन चिलीज को कूट लिया है, 1 इंच अदरक को मैंने कूट लिया है, 4-5 लहसुन के कलियों को कूट लिया है और 2 साबुत ग्रीन चिलीज मैंने लिए हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है जिसको हम करी में यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम मसाले का घोल बना लेते हैं। करीब 1 चम्मच से थोड़ा कम हम लेंगे धनिया पाउडर, करीब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मैं इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही दूंगी ताकि इसका कलर अच्छा है। और ये देखिए डिमेर कोशा सनराइज़ का एक मसाला है, आपको ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में, आप ये लास्ट में यूज़ कर सकते हो और इसकी जगह पर आप कोई भी गर्म मसाला यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने 3 अंडों को छील लिया है, थोड़ा सा नमक हल्दी और ये देखिए थोड़ा सा नमक के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। और इसमें मैंने कुछ देखिए चीरा लगाया हुआ है, देखिए मैंने कुछ चीरा लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर तक मसाले जाएं और ये जब मैं कढ़ाई में फ्राई करूँगी तब ये फूटे ना, तो इसलिए मैंने इसमें चीरा लगाया हुआ है। और वो जो मसाला मैंने आपको दिखाया था सनराइज़ का डिमेर कोशा, अगर ये मसाला आपको नहीं मिलता है तो आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसको एंड में यूज़ करना, इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हमने सभी मसाले को अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तेल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, गर्म हो चुका है, मैंने हाथ से ऐसे देख लिया, उसका हीट हो रहा है पूरा एकदम। अभी हम अंडे को चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब टमाटर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में भी पेस्ट बना सकते हो, तब आपका काम और भी आसान हो जाएगा और ये डिश बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिम भापा की तरह नहीं है क्योंकि हम इसमें कसूरी मेथी और डिमेर कोशा जो पाउडर जो सनराइज़ का मिलता है वो डाला है। तो देखिए मैंने इसमें साबुत जीरा, 1 ड्राई चिलीज को तोड़ के, 3 1 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी और 3 इलायची को मैंने डाल दिया है इसमें। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें जो प्याज हमने चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। मैंने 2 बड़े प्याज यूज़ किए हैं, बड़े प्याज को मैंने चॉप करके लिया है अच्छे से। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया था, अभी 2 मिनट हो गया है, फिर से हम चलाएंगे प्याज को। अभी मैं दे रही हूँ इसमें अदरक, जो हमने 1 इंच अदरक को कूट के रखा था वो हमें डाल दिया है मैंने, जो 4-5 लहसुन के कलियों को मैंने कूट लिया था वो भी डाल दूंगी और जो 3 ग्रीन चिलीज को मैंने क्रश कर रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। सभी को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाए
अच्छे से मिलाएंगे तेल में। अभी मैं इसमें डालूंगी अपना मसाले का घोल जो हमने जीरा, हल्दी, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर से मिलाया और बनाया था। अच्छे से मसाले को हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट बाद इसमें हम 2 टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं। एक एकदम लाल हुआ था टमाटर और एक थोड़ा कच्चा था, इसलिए दोनों कलर अलग अलग हुआ है टमाटर के पेस्ट जब मैंने बनाया है। सभी मसाले और टमाटर सब कुछ हम साथ में मिलाएंगे। अभी हम इसमें देंगे करीब 1 चम्मच नमक। कसूरी मेथी इसको हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकले। देखिए हमारा मसाला काफ़ी ड्राई हो गया है। अभी मैंने जो टमाटर का पेस्ट लिया था उसी बोल में थोड़ा सा गर्म पानी लेके करीब 1 कप गर्म पानी मैंने इसमें मिला दिया है। अभी हम इसको छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए उबाल आने के लिए। 10 मिनट हो गया है। अभी हम इसमें हमारा अंडा और जो साबुत ग्रीन चिली था वो भी हमने डाल दिया है ताकि अंडे के एकदम अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाए। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को थोड़ा हाई करके हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो करीब 6-7 मिनट हो गया है 5 मिनट की जगह पे। तो हमारा डिश लगभग रेडी है। अभी हम इसमें अपना जो डिमेर कोशा सनराइज का पाउडर है, जो मसाला पाउडर है, वो हम डालेंगे इसमें। जो कि इसको एक अलग ही फ्लेवर देगा। तो हमारा डिश एकदम रेडी है। अभी इसको हम मिला के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। इसको आप घर पर बनाइए, सबको खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।